चलिए जाना कि पहले तो मेरी सफाई करनी ना मैं अपनी तुसी, फिर मैं शहर लाना तुसी ला के चले जाए विशाख जुत्ती तो उठाया था मैं पाई दी है हाय हाय ये तो लुकमान दी है मशाल दी तनी ना रोज ने वैसे मत मारती है ना वो तो रोज ही मार देती है चल किसी दिन मैं कहना ना तू माई बाप हो गई है जुत्ती देखी अपनी ना ये ट्रेंड में चलो चलो तुसी एडे जवान हां जिन्ने दी भी आई ना हां जी बच्चे भी आने वाले चल लुकमान घर ही अल्लाह खैर करे चलो जी तुम चलने शहर जाके अस्सलाम वालेकुम करनी आ बड़ी देर बाद मैं मेन शहर चली मेन शहर चली शहर अमीर ने जाना कि ना शहर तोबा लेटियां लैनिया किसी नाल जाना तू छोटे हो दस ना तोबा अम्मी ने लुक के निकलना करना मतलब रोना कि असं भी नाल ही जाना है तो अजकल बच्चे ने कही भी ना चली गए नहीं हमें नहीं जाना तो असं उदो तरले ले दी सी पता नहीं फिर साडी जिहड़ी जनरेशन ना होई नहीं हुंदी सी अम्मी ने इंज करके करो निकलना उन्होंने हाँ। बुरका पाना है हां दूसरे बाजार जा रहे ने नुक्कर बच्चे छुट्टी हो गई बच्चा मेरे भी कितने नजर आंदे होने चलो अल्लाह खैर करे लुकमान है घर हैंडल कर लेगा क्योंकि रोज ही नहीं निकले लुकमान मैं चलनी हाँ अफान ने ना स्पोर्ट के शूज लेने जरूरी काम ओ बड़ी इज्जत दिंदे सानू सही गल है वापस फिर जे मैं बैल मारा अगर मेन मिले ठीक ने मैं ट्राम ते आ जाऊंगी सही हाँ क्योंकि आके बाकी काम करने ने ओके फिर होंदी है दोबारा अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब मैं ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें खुश रहें चलें जी अब बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी करते हैं वीडियो का स्टार्ट तुसी कहंदे ते होने बाद शुरू जो तुसी इन्नियां गल्लां गप्पां मारियां ने सलाम तुसी होन लैन दे तो सलाम जी ये था बातें जब मैंने स्टार्ट वीडियो वहीं शुरू की थी मैंने कहा आपको ऐसे दिखा देती हूँ बाद में जाकर सलाम लेती हूँ सलाम की क्या बात है जब मर्जी ले ले सलाम वालेकुम तो लेनी चाहिए जब मर्जी जो भी मिले सलाम करनी चाहिए आप भी सलामती और उनके आगे वाले जिस बंदे से ले रहे हैं उन पे भी सलामती हूँ ठीक है तो यहाँ पे मैं टैडी पे मुझे उतार के चले गए नॉर्मल मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना था मैं जाना सिर्फ डाइश मैंने आपको बोला था ना अफान के लेने थे शूज़
उसको ना स्पोर्ट के लिए चाहिए थे, फुटबॉल खेलने जाता है, उन्होंने आजकल बड़ा फिर चाह चढ़ा फुटबॉल खेलने जाता है, स्कूल से जब आता है ना तो उसको हमने क्या कहते हैं उसका दाखला हुआ है, लेकिन जाता नहीं था। जब नहीं था उसका दाखला तो हुआ, उसने हमें उस्ताह मारा था कि मेरा दाखला करवा दे, दाखला करो, जब उसका हो गया तो जाता नहीं था। अब उसको उतना फिर चाह चढ़ गया, मौसम मौसम के चेंज होते हैं ना तो इंसान ऑटोमेटिकली चेंजिंग अपने अंदर फील कर रहा है। तो आजकल बच्चों भी यही कर रहे हैं कि मिशाल भी जा रही है, वो भी जा रही है, मतलब मिशाल उसको लेके जाती है ना। तो खैर उसको शूज़ चाहिए थे, वो मैं लेने आ रही थी, रोज़ मुझे अमेज़न से निकाल कर मेरे आगे मोबाइल कर देता था, ये देखें ये ले लूँ, ये देखें ये ले लूँ। तो मैं ऐसे ना ऑनलाइन शूज़ लेती नहीं हूँ, क्योंकि एक तो मुझे होता है कि उनको बच्चे हैं, उनके पाँव छोटे बड़े, जैसे माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं ना अब वो बड़े हो रहे हैं, तो उनके पाँव भी फिक्स नहीं है, टाइम है, इनका नंबर भी फिक्स नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना डैशमैन लेने आई थी उसके शूज़, तो मुझे टैडी इसलिए उतार के गई है कि यहाँ पर इनको आगे सवारी। तो मैंने कहा नहीं, रिस्क जरा आंदा है ना उन्होंने तुम इनकार नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने सवारी ले ली और मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए कि चलो आगे खुद चले जाना, फिरते फिरते मुझे लालच देते हैं, फिरते फिरते चले जाना। हालांकि रोज़ में कौन बंदा फिरता फिरता चला जाता है, मेरा दिल था कि आज मैं बस सी एंड वो जो डैशमैन है ना वो फिर के चले जाऊँगी बस, और कोई काम नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े बड़े ख़राब हो गए हैं, तुहानू पता सर्दियाँ का एंड जान दिया है, तो जो सर्दियों के कपड़े ना पहन पहन के बच्चों के स्कूल के ना वो सत्यानाश ही हुए हैं। अब दिल यही कर रहा है कि उनको बस फेंक दूँ, सारा डोनेट कर दूँ, और वहाँ से ना जो चेंजिंग वाले आए हुए हैं मौसम के चेंज के हिसाब से कपड़े भी कुछ देख लूँगी। आगे ईद भी आ रही है, ईद की भी तैयारी शरी करनी करानी है, तो इससे पहले ये था कि चलो एक चक्कर लगाऊँ, स्कूल के लिए चीज़ें ले आऊँ। नॉर्मल ना हमारी इधर कल छुट्टी है, छुट्टियाँ शुरू हो जानी एक वीक की ना, हफ्ते अप्रैल में हमें 2 हफ्ते की छुट्टियाँ होती थी, पता नहीं कोरोना ने की इन्हों के जादू कर छड़िया भी एक हफ्ते की छुट्टियाँ रह दियां ने। खैर चलो शुक्र है थोड़ा रोज़ के ना बंदे नींद पूरी हो जाए, कि मैं बड़ी हैप्पी हाँ कि अगर कल इनको छुट्टियाँ होती तो अगले मंडे को इनको स्कूल लगने कोई 10 दिन बंदे को सुकून मिलेगा ही ना। तो खैर मैं टैडी से निकल आई हूँ, उतों तो मैं कख भी नहीं लिया, क्योंकि वहाँ से मैंने क्या लेना है, मेरा दिल नहीं कर रहा घर की कोई चीज़ लेने को। यहाँ पे यही था कि चलो यहाँ पे भी बच्चों के कपड़े हैं, जराबे वगैरह लेनी है वो देख लूँगी, क्योंकि इनकी जराबे बड़ी अच्छी होती हैं, तो वो देख लूँगी, कोई अगर अच्छा कपड़ा मिला तो वो देख लूँगी। तो मैं कहा चलो झाती छुती मार लेने, झाती मरण बच्चे कीड़ा हरा जे, और निकली तो है ही है, तो टाइम हो गया था 4:30 से मैं घर से निकली हूँ। तो मेरे दिल में था कि मैं 6:15 घर से मैं जैसे ना मार्केट से निकल जाऊँ, इसलिए क्योंकि जाके अफ्तारी वगैरह भी करना है, कुछ मैं कर रही हूँ, कुछ मैं मिक्स मुक्स करके रख रही हूँ कि चलो जाके कर लूँगी ना। रमज़ान में यही होता है ना कि टाइम निकालना बड़ा औखा होता है। अच्छा तन मैं ट्रोज़र बहानी, आजकल मारिया बी की बड़ी आई हुई है ना तितलियों वाले स्टाफ, और तितलियों वाले मारिया बी कर रही, तो असं किसी ना घट ना वेखो वूलवर्थ में पजामे मिलते हैं बटरफ्लाई वाले, अगर आपने भी लेने तो आप यही पहन के ना समझे मैंने मारिया बी का ट्रोज़र पहनना है, क्या बात है, हर कोई मारिया बी का शदाई हुआ है। तो आजकल सच्ची में बात हंसी आती है इस बात की कि बस ना मेरा नाम देखता है ना कि उन्होंने बटरफ्लाई के वो स्टाफ निकाला हुआ है, और बस एक लेस उन्होंने घेरे पे और बस गले पे, और इतने महंगा 6,650 का वन स्टिच है, अंदाज़ा लगाएं तुसी, तो उधर तुम्हें पता रेप्लीका भी फटाफट साड़ियाँ मतलब मार्केट च आई जाता वे। खैर अच्छी बात है, जो नहीं पहन सकती इतना महंगा बंदा शौक भी ना पूरा करे। तो मुझे ना ये वाला ट्राउज़र देख के बड़ी हंसी है, मैं कह ऐसी किसी ने घट असी यही पा के समझने असी मारिया पीदा ट्राउज़र पाया है। खैर यहाँ पे ना मैं वूलवर्थ में बर्तन वाली साइड पे आई हूँ, मैं कहनी ज़रूर है मैं जाना नहीं किचन वाली साइड पे, लेकिन फिर चले जाती हूँ। तो इतों असं फटाफट बाहर निकलने हैं, मौसम जेहड़ा ना थोड़ा जहा गर्म है, यह वेखा जो तुम लगन दिया बदल, लेकिन ना कोट पा के और मैंने ना जाके शूज़ के अंदर जो जराबे वो मैंने उतार दी थी, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी, मैं डैशबिन में गई हूँ उत्थे सब तो पहले मैं जाकर अपने जराबा ला के अपने बैग च पाइया, मैंने इन्नी गर्मी लगी है कि मौसम देखने में बड़ा अच्छा, लेकिन जैसे गुमा गुमा नहीं होता पाकिस्तान में होता है कि बारिश आने से पहले एक होती है गुम्मा सा हो जाता है, माए कहने लग जाती, लगता है कि तू नेरी आनी, लगता है कि तू बारिश आनी है, वैसे वाला हमारा यहाँ का आज मौसम था। खैर डैशबिन में आ गई हूँ, यहाँ पे मैं ना बच्चों की जो चीज़ें वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाने, मैंने कहा चलो असं अपनी जुत्तियाँ वेखने तुम नवाने, इतनी प्यारे शूज़ आए हैं हद तू मज़ेदार, सिर्फ मसला है वे कि उन्हें थोड़ियाँ अड्डियाँ ज़्यादा ने, लेकिन अगर आप पहन सकते हैं ये अच्छी थी, बैलेंस थी, क्योंकि नीचे से चौड़ी हो जाती थी ना, इतनी बारीक नहीं है। लेकिन मैं आपको ये वाली दिखाऊँ, इस कलर में हर इस ये जो एड़ी है ना मोटी वाली, खैर मुझे तो ये पसंद नहीं है, लेकिन इस एड़ी में हर कलर में आए हुए हैं, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले कोई नहीं मिलते होते थे यहाँ पे, अगर आपने शादियों पे या जैसे हमारे कपड़े हैं फैंसी वगैरह उस पे पहनने के लिए नहीं मिलती थी जूते, अब ना हर कलर में मिल जाते, पहले होता था कि चलो ब्लैक वाइट पाकिस्तान से ले आए या गोल्डन ले आए, वही हर सूट में पहन लेते थे।
लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा ज़्यादा वरायटी है डैशमैन में ना, शूज़ बड़े प्यारे, चप्पल भी बड़ी प्यारी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। प्राइज भी तुसी बस ना प्राइज तल जाओ ही ना, हजे प्राइज तल ना जाओ, हजे बहुत महंगी ने। खैर चीज़ ए वेखो मैंने सब तो अच्छी ए वाली लगी, लेकिन ना मैनु पसंद बड़िया ने, तो ए वाली मैं पाँदी पता क्यों, एक एक बंदा है वह पाँदा मैनू बंदा बस छड़ो, पर मैनू एथली जुत्ती पसंद बड़ी है, पर मतलब मैं पा के मैंने कुछ याद आ जाता तो मैं छड़ आनी इसलिए मैं जुत्ती नहीं लैंदी ना, क्योंकि एक जिद तुम पता है ना कि तुम सोहनी लगती है तो सोहनी लग के जुत्ती पा के भी तुम बंदा याद आ जाने ऐसे वाला जिद तू थोड़ा जि तो मैं कभी पाई नहीं, मैं छड़ आई, देखने में बड़ी प्यारी लग रही थी कलर में। हाँ ये मेरा सूट आ रहा है पाकिस्तान से ग्रीन कलर में, तो मैं हर जगह ग्रीन ग्रीन पकड़ रही हूँ, मेरा वैसे फेवरेट कलर ग्रीन ही है, ग्रीन जितने अपने एक मज़ा है ना। मेरा सूट आएगा ना मैं आपको साथ दिखाऊंगी, वो था करिश्मा का, अनस्टिच मैंने लिया है और स्टिच मैंने करवाया है। हाय हाय सूट में कोई जान है, जब आएगा मैं आपको दिखाऊंगी, उन पहले ना कहना शुरू कर दियो। तो वो मेरी शादी के लिए मंगवा रही हूँ, मेरी शादी आ रही फैमिली में, मेरी नंद की बेटी की, उसके लिए मैं तैयारी शरी की है, तो उसके लिए मैं जूते ना बस ग्रीन ग्रीन, हाय हूँ सारे पता लगे मैं ग्रीन सूट पाया वे पिटे हाल मेरा, क्योंकि मुझे होता है मेरा सूट ग्रीन 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 ना होना लग जाए, जहाँ मैंने पहनना। खैर मैंने ये नहीं बताना मैंने किस दिन पहनना है, तो मैं दसना ही नहीं, छोड़ो पड़े। चलो जी मैं कर ली शॉपिंग और अब मेरे मियाँ का फ़ोन आ गया, क्योंकि टाइम भी हो गया रोज़ा खोलने का, और ये मेरी शॉपिंग है, घर जाके दिखाती हूँ क्या क्या लिया है, बच्चों की चीज़ें ली है, वाटर वेट कर रही हूँ, आ जाइए देखें तो अभी खोलने वाला है, जाके तैयारी करने का, देखो स्पीड टू स्पीड बाजी जा रहे हैं, है कोई डर खौफ तौबा आ गए, तौबा इंतजार बड़ा बुरा है, मैं हाले आंदी ही मैं आ गई हाँ, मैं आ गई, चलो अस्सलाम वालेकुम, तुम नज़र ही नहीं आते मैं हूँ आए कसम ना ला, नज़र नहीं सी आंधेरा कुप से, मैं जी रह तुम वेख लियो, ठहर मैं पिछे रख लवा, खोलो तो सही तौबा चोर पैन देन देख ना जायो तुसी, चलो जी जल्दी जल्दी घर चलने, टाइम नहीं सी है नहीं तो जाते, मैं इफ्तारी बना लग पी, मैं शॉपिंग ना कल वहावगी वादा मेरा, इतने तो तुम ना मैं हूँ दे दो इजाजत, जल्दी जल्दी घर चलने, कल इंशाल्लाह वापस आऊंगी, मुझे मेरी फैमिली को दो में याद रखें, अपना अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।